ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई टीम इंडिया हर एक मैच के बाद अपने एक खिलाड़ी को चोट की वजह से खोते जा रही है। तीसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के बलबूते पे मैच को ड्रॉ कराने के बाद अब टीम इंडिया के सामने अंतिम मैच में परफेक्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरना सबसे बड़ी चुनौती होगी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हाथ का अंगूठा टूट जाने के बाद अब अंतिम टेस्ट मैच से पहले ही बाहर हो गए हैं। ऐसे में जडेजा की जगह लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल है। वैसे जडेजा के रहने से बैटिंग के साथ पांचवें गेंदबाज की भी कमी पूरी होती थी और फिलहाल टीम में जडेजा की जगह लेने के लिए सिर्फ पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल हैं। लेकिन दोस्तों, टीम मैनेजमेंट ने जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पे एक ऑलराउंडर को ही टीम में शामिल करने का संकेत दिया है। जी हाँ दोस्तों, T20 और वनडे में बतौर ऑलराउंडर खेलने वाले वॉशिंगटन सुंदर को अब टीम मैनेजमेंट ने बतौर नेट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में ही रोक लिया था और अब सुंदर अंतिम टेस्ट मैच में जडेजा की जगह प्लेइंग 11 में खेलते दिख सकते हैं। हालांकि जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को शामिल करने की बात भी चल रही थी, लेकिन सुंदर एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर है और वो अपने बल्लेबाजी से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबको प्रभावित कर चुके हैं। ऐसे में जडेजा की जगह वॉशिंगटन सुंदर अंतिम टेस्ट मैच के लिए ब्रिस्बेन में आपको खेलते दिख सकते हैं। दोस्तों, आपके अनुसार जडेजा की जगह किसी टीम में शामिल होना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग NKP Sports YouTube चैनल।